अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट महर रशीद आलम। आज हम बात करेंगे रेवेंट के सिवरेज के हवाले से। अगर बात करें रेवेंट के सिवरेज के हवाले से, तो रेवेंट के मुख्तलिफ मकामात पर सिवरेज का जो निज़ाम है वो अरसा इदरा से दरहम बरहम होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ रेवेंट गवर्नमेंट ग्रेजुएट बराए खवातीन के कॉलेज के बिल्कुल सामने, जहाँ पर सिवरेज का जो निज़ाम है वो अरसा दराज से दरहम बरहम होने की वजह से यहाँ पर जो तलबा हैं उनको आने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ रेवेंट के मुख्तलिफ मकामात पर सिवरेज का जो निज़ाम है वो अरसा दराज से दरहम बरहम होने की वजह से शहरी अपने प्यारों की मईतों को उसी गंदे पानी में से गुजारने पर मजबूर हैं। अरसा दराज से सिवरेज का निज़ाम दरहम बरहम होने की वजह से सिवरेज का गंदा पानी कॉलेज के अंदर दाखिल होने लगा, जिसकी वजह से इस कॉलेज की चार दीवारी खस्ता हाली का शिकार। अगर बात करें सीओ यूनिट के इंचार्ज के हवाले से, तो सीओ यूनिट के इंचार्ज बिल्कुल खामोश तमाशा ही दिखाई दे रहे हैं और रेवेंट शहर इस वक्त नदी नालों की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और शहरी सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होने की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में भी मुबतला हो चुके हैं। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि इस बात का जल्द से जल्द नोटिस ले। जी